सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं हूँ डिब्रूगढ़ में और रात में मैं यहाँ पे ये सामने पार्क था, एक वॉकिंग पार्क, इसी में मैंने स्टे किया था। और ये सामने रहा चौराहा इसका, यहाँ पे चौराहे को चारली बोलते हैं और जो तीन रास्ते होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तिनाली ऐसे कुछ बोलते हैं, वहाँ पे चौराहे को चारली बोलते हैं। तो मैं अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ आज सेला पाथर की तरफ, तो देखते हैं कि मतलब गाड़ियाँ कहाँ से मिलेगी, लिफ्ट कहाँ से मिलेगा। हम लोग यहाँ से निकलते हैं आज, क्योंकि हमें बिल्कुल भी डिब्रूगढ़ में अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ के लोग बिल्कुल भी हेल्पिंग नहीं है। वो रात में हम यहाँ पे सोए थे काफ़ी, लगभग 10-15 जगह हम जो है दौड़ते रहे 9:30-10 बजे तक। ग्राउंड में जगह मतलब मांगते रहे कि मतलब थोड़ा सा अपना टेंट लगा लें, बट भाई किसी ने भी हेल्प नहीं किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। एक लड़का था वो अविनाश सिंह करके, वो अपना बिहार का रहने वाला है, वो बेचारा थोड़ा बहुत हमारा हेल्प किया था। फिर उसने एक जगह दिखाई कि भैया आप यहाँ सो सकते हो फुटपाथ के बगल में। हम लोग बोले ये जगह सेफ नहीं, क्योंकि कल 31 दिसंबर था तो लोग हमें परेशान करेंगे, थोड़ा दारू वारू पी के यहाँ पे लोग टहल रहे थे, घूम रहे थे, तो हम ये ग्राउंड में सोए थे। फिर वो बंदा हमारा नंबर लिया था और हमको देखने भी आया कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अपना नंबर दे के गया कि अगर कोई दिक्कत होती हो तो आप फ़ोन करो। यही वो ग्राउंड है। और सुबह में भाई लगभग 4 बजे यहाँ पे लोग आ गए थे ग्राउंड में जॉगिंग करने, और जो यहाँ के गेट कीपर थे वो, उन्होंने 5 बजे हमको बोला कि आप यहाँ से टेंट हटा लीजिए, पुलिस वाले बोलेंगे, जबकि मैंने पुलिस वाले से परमिशन भी लिया था। तो मतलब ऐसे डरा रहे थे यार, बिल्कुल भी हेल्प नहीं। यार मुझे तो नागालैंड याद आता है, एक भाई वहाँ पे हर सिचुएशन में ढाल देते थे, आप बस एक बार हेल्प मांगो या ना मांगो तब भी आपका हेल्प कर देते, लोग घर के बाहर नहीं सोने देते थे, इतना ट्रस्टेड थे। यहाँ पे भाई एकदम नहीं। डिब्रूगढ़ में फर्स्ट बार आया हूँ, मैंने गुरुद्वारे में भी ट्राई किया, कहीं कुछ नहीं। इनका तो मुझे एकदम लैंग्वेज ही नहीं पसंद आया यार, जिस हिसाब से इन्होंने बात किया। भाई यहाँ हाईवे पे लगभग हम लोग आधा घंटा वेट किए और आधे घंटे बाद एक लिफ्ट मिली है। ये भैया है राहुल भैया, और नए साल में हमारा दूसरा लिफ्ट है। अभी यहाँ से चलते हैं। भैया कहाँ तक जाएंगे आप? धेमाजी तक जाएंगे भैया, फिर वहाँ से तो करीब में होंगे ना, फिर लखीमपुर, फिर वहाँ से हम लोग लखीमपुर जाएंगे। ये कौन सा जगह है? ये बोगीबिल, बोगीबिल डिब्रूगढ़ में आता है, डिब्रूगढ़ पड़ता है। वो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, तो भाई अभी मैं खड़ा हूँ बोगीबिल के ब्रिज पे, और ये ब्रिज जो है एशिया का दूसरा ब्रिज है, और पहले वाला ब्रिज जो है वो भी आसाम में ही सदिया में है, वो लगभग 9 किलोमीटर तक उसकी लंबाई है, और इसकी लंबाई समथिंग 7 किलोमीटर तक है। तो ये ब्रह्मपुत्र पे बना हुआ है, और सबसे अच्छी बात है ये बोगीबिल जो ये ब्रिज है ये डिब्रूगढ़ में पड़ता है, लेकिन ये ब्रिज जहाँ पे अंत होगा इसका, जहाँ पे ये ख़त्म होगा वहाँ से धेमाजी जिला स्टार्ट हो जाएगा। और ये रहा ब्रह्मपुत्र, और ये इसके नीचे जो बोट जा रही है इसका नाम कंचनजंगा है। यहाँ के एक फेमस सिंगर है जुबिन, उन्होंने एक फिल्म जो है पिक्चराइज किया था कंचनजंगा, और उसी के नाम पे ये बोट चलाया जा रहा है। तो अभी तो ये इसका आप विस्तार देख सकते हो, ब्रह्मपुत्र का कितना ज़्यादा, इसका कितना बड़ा विस्तार है, कहाँ तक ये फैला हुआ है। और बारिश के समय में ये पूरा पानी ही दिखेगा इधर, ये जो अभी रेत दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। तो भाई बहुत ही अच्छे लोकेशन में ये है, और लोग यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके सब यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं। ये भैया भी हमारे साथ में हैं, तो देख सकते हो पूरा ये बोट इधर जा रहा है, ये जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो इसमें अपना घूमने के लिए इस बोट से ट्रैवल करते हैं। और बहुत ही स्लो, शायद पानी कम है इसलिए बहुत स्लो चल रहा है ना, ये पानी स्लो होने की, पानी कम होने की वजह से स्लो चल रहा है, क्योंकि मिट्टी है, पानी है नहीं, मिट्टी में वो रगड़ते हुए चल रहा है। तो ब्रिज काफ़ी लंबा है, और पहली बार फर्स्ट टाइम हम इसको विजिट कर रहे हैं। उधर तो हम सदिया में जा नहीं पाए थे, जो इसका लंबा ब्रिज है एशिया का सबसे लंबा ब्रिज,
तो अभी ये हमारा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमने इसको कवर कर लिया और अभी आगे तक चलेंगे। यहाँ हम लोग वीडियो बनाने के लिए और कुछ फोटो लेने के लिए यहाँ पे रुके थे, अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। सेल्फी हो जाएगी आप? तो भाई एक लंबी लिफ्ट के बाद हम जो है यहाँ पहुँच गए लखीमपुर बाईपास पे, और भैया को जाना है तेजपुर वाले रास्ते पे इधर। तो ये रहे भैया, कृष्णा भैया और ये भैया हैं, दोनों लोग हमें लिफ्ट दिए थे और एक अच्छी हम लोग बातें करते हुए आए हैं यहाँ पे। एक मेमोरी रहेगा हम लोगों का ये वीडियो। तो भैया के साथ अभी एक सेल्फी। अभी हमें लखीमपुर और लगभग हिचाइकिंग करते हुए हम जो है आए थे शाम को यहाँ पे, 12-1-2 बजे तक हम पहुँच गए थे लखीमपुर। तो लखीमपुर हम मार्केट वगैरह घूमे, लेकिन वहाँ पे कुछ अच्छा कंटेंट मिला नहीं, गांव भी कुछ ऐसा नहीं था क्योंकि हम लोग टाउन की तरफ थे। तो फिर इधर अच्छा नहीं लग रहा था, और एक दो जगह कैंपिंग की बात हुई वहाँ भी मना कर दिए लोग। तो फिर हम लोग ट्रेन पकड़ के जो है हम लोग तिनसुकिया आ गए, और अभी हम तिनसुकिया में हैं। रात में यहाँ रेलवे स्टेशन पर सोए थे और कल सुबह ट्रेन है, तो आज तो यहीं हम लोग रहेंगे। और कल सुबह यहाँ से लगभग 6:15 पे एक जाती है तिनसुकिया रंगिया एक्सप्रेस, तो उसमें लगभग सारे कोच जो है वो जनरल ही होते हैं, और हालांकि पैसेंजर तो नहीं कह सकते क्योंकि हर जगह इसका स्टॉप नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 7-8 स्टॉप है। तो इस ट्रेन से हम चलेंगे दीमापुर, और दीमापुर में जो वहाँ का हांगकॉन्ग मार्केट है और एक सुपर मार्केट है, क्योंकि बुधवार को सुपर मार्केट लगता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बुधवार तक वहाँ पहुँच जाए और थोड़ा सा सुपर मार्केट को एक्सप्लोर कर ले। वो जो कुत्ते बिल्ली की मार्केट होती है, मछलियों की मार्केट होती है, अनेक प्रकार की मछलियाँ वहाँ पे होती हैं और जानवरों की, तो ऐसा कुछ मार्केट होता है। तो मैं उस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए आज नहीं कल निकलूँगा यहाँ से। बाकी यहाँ पे जो है मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, यहाँ पे धूप सुबह जल्दी निकल जाती है और ठंडा वही सुबह शाम ही ठंडा है। तो मैंने अपने वीडियो में जो बोला है कि डिब्रूगढ़ के लोग, तो भाई टाउन में मुझे प्रॉब्लम हुई, टाउन में मुझे कहीं कैंपिंग नहीं करने दिया। बाकी मैं ये नहीं कह सकता कि सारे डिब्रूगढ़ के सारे लोग ख़राब है, ऐसा नहीं है। मुझे सिटी में भी कुछ लोग ऐसे मिले थे जिन्होंने लिफ्ट दिया था जो अच्छे थे। ये काटो वाले भैया थे, वो हमारा वीडियो देखे थे और उन्होंने हमको पहचान लिया, फिर उन्होंने लिफ्ट दिया, हम पैसे दे रहे थे, पैसे नहीं ले रहे थे। वो लगभग 4 किलोमीटर की लिफ्ट उन्होंने अपने ऑटो से दिया, जाते वक्त भी लिफ्ट मिला था। तो सारे लोग नहीं अच्छे हैं, लेकिन हाँ अब पता नहीं क्या रीज़न था, नए साल की वजह से क्या वहाँ कैंपिंग के लिए हमें कोई सुविधा नहीं मिली। और मान लो हमने पुलिस वाले से पूछ के ग्राउंड में कैंपिंग भी किया था, तो वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड ने हमको नहीं, वो हमारे साथ में जो लड़का है, हम तो सुबह उठ गए थे, अपना टेंट वेंट समेट लिए थे लगभग 6 बजे, और उसको बोल रहे थे कि तुम्हें मना किया था तो फिर यहाँ क्यों सोए। तो भाई ऐसा कुछ सीन है कि मतलब सोने के लिए भी अप्रूव कराना पड़ेगा गवर्नमेंट से, कहीं ग्राउंड में आप सो रहे हो तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ हम यहाँ सो रहे हैं, आप हमें सोने दोगे, मतलब रात भर की बात है ये। अरे भाई क्या आदमी क्या चोरी कर लेगा ग्राउंड में, क्या ऐसा है जिसको आदमी चोरी करके ले जाएगा बताइए। इतना बिलीव नहीं रहेगा, इतना भरोसा नहीं रहेगा आपको। तो इस बात से मैं थोड़ा मुझे नाराज़गी थी, बाकी मैं ये नहीं कह सकता बिल्कुल भी कि पूरा डिब्रूगढ़ ख़राब है, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, लेकिन इस बार बुरे लोगों से ज़्यादा हमारी मुलाकात हुई है। क्योंकि पेट्रोल पंप पे भी जहाँ गए थे वहाँ पे बिहार के मैनेजर थे, उन्होंने भी साफ मना कर दिया। यार पेट्रोल पंप पे कौन मना करता, CCTV लगा है वहाँ पे, वो बोल रहे हैं हमारा कैमरा कभी कभी बंद हो जाता है। आपकी आँखें तो नहीं बंद हो रही है ना, आपका कैमरा ही बंद हो रहा है ना, बताइए ये कौन पेट्रोल पंप पे ऐसा होता है क्या कि कैमरा बंद हो जाता है, नहीं देना है आप बोल दीजिए। फिर दूसरे पेट्रोल पंप पे गए, उन्होंने कहा कि ये जगह ठीक नहीं, उन्होंने डरा दिया, फिर बोले कि स्टेशन जाओ, स्टेशन पे जाके हमारी बात करा दीजिएगा, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इतनी पहुँच आपकी हो गई कि स्टेशन पर हम आपको बात कराएँ, बताइए हम यहाँ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टेशन पर चल के हम बात कराएँ आपको, आप अपने यहाँ जगह ही नहीं दे रहे हो, दूसरे के यहाँ भेज रहे हो। मतलब ऐसे है जैसे एक बार हम आसाम में आए थे सोनारी में, तो वहाँ पे लोग बोले कि इस मंदिर जाओ उस मंदिर, और मंदिर में भाई मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस है, मंदिर में कहीं भी जगह नहीं मिलता, मुझे बस नागालैंड में जगह मिला था, बाकी मंदिर वंदिर में कहीं जगह मिलता नहीं। या तो इनको पैसा दो तब आपको रुकने देंगे, वैसे नहीं आप कैंपिंग भी नहीं कर सकते, उनके पास इतना बड़ा ग्राउंड होता है, कैंपिंग भी नहीं कर सकते। हाँ ये इस्कॉन मंदिर एक डिब्रूगढ़ में था, वहाँ मैं गया था, इस्कॉन मंदिर के जो पुजारी थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ फैमिली पहले से, नया साल है तो कुछ लोग फैमिली वाले पहले से, उनके पास रूम भी नहीं था, एक रूम था तो उन्होंने दे दिया था। बाकी आधा घंटा तक डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा कि मतलब अगर मुझे समय दो 1-2 घंटे तो मैं सोचता हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा था 9, तो हम लोग जो है सोचे अगर हम इनको 2 घंटे समय देंगे अभी पता चले ना हो जाए तो
फिर कोई मतलब नहीं होगा। तो हम लोग डिसाइड किए वहाँ से और फिर निकले ग्राउंड की तरफ, ज़बरदस्ती हम लोग ग्राउंड में सो गए थे। एक पुलिस वाले भैया से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा हाँ ठीक है सो सकते हो, तो मैं उधर ग्राउंड में सो गया था। बहुत बड़ा ग्राउंड था, बस थोड़ा सी जगह ही तो चाहिए यार कैंपिंग करने के लिए, वो भी नहीं दे रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारे यहाँ, कैसे कोई आ सकता है बताइए। तो बस इसी से मूड ख़राब हुआ भाई, और अब जो है आज यहाँ पे स्टेशन पे रहेंगे, कल सुबह यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और निकल जाएंगे दीमापुर।